देखिए, इस गणित संकाय के विद्यार्थी, ऐसे लाखों विद्यार्थी अभी बहुत कश्मकश और असमंजस में फंसे हुए हैं, जो जेई मेन एग्ज़ाम को देना भी चाहते हैं और जेई एडवांस के एग्ज़ाम की डेटों का वेट भी कर रहे हैं। बोर्ड की एलिजिबिलिटी को लेकर के अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से बातें क्लियर नहीं हुई हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनका लास्ट ईयर 2021 के अंदर बोर्ड में 75% नहीं था, उन स्टूडेंट को कोविड के चलते हुए बोर्ड एलिजिबिलिटी से रियायत दी गई थी, लेकिन 2022 को लेकर के बोर्ड की योग्यता 75% रहेगी या फिर टॉप 20% एलिजिबिलिटी रहेगी, इसको लेकर के अभी तक कोई भी क्लेरिफिकेशन गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। इस कारण से स्टूडेंट जो कि टर्म वन अभी CBSE का एग्ज़ाम दे चुके हैं, जिनकी परीक्षाएं उनके अनुरूप नहीं गई है, क्या टर्म टू में उन्हें बहुत मेहनत करनी है? और खासकर बात यह है कि जेई मेन के एग्ज़ाम के लेकर के, जबकि लास्ट ईयर 16 दिसंबर को जेई मेन के फॉर्म रिलीज कर दिए गए थे, ये पहले से क्लियर हो गया था कि 4 सेशन में एग्ज़ाम कराए जाएंगे, लेकिन अभी तक जेई मेन एग्ज़ाम की ना तो अटैम्प्ट को लेकर के पूर्ण रूप से जानकारी डिक्लेयर की गई है, ना 75% की योग्यता को लेकर के डिक्लेयर की गई है। इवन तक सरकार को कम से कम ये कर देना चाहिए कि महीना अगर डिक्लेयर कर दें, क्या चुनाव जो कि 5 स्टेट में है इस कारण से डिले हो रहा है, या कोविड पैंडेमिक सिचुएशन के कारण सरकार जेई मेन के एग्ज़ाम को लेकर के अभी निर्णय नहीं ले पा रही है। इस संदर्भ में जानकारी अगर स्टूडेंट्स को समय अनुसार मिल जाए तो वो जेई मेन के साथ साथ जेई एडवांस के साथ साथ बोर्ड के एग्ज़ाम को बैलेंस करते हुए अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे। तो सरकार से ये निवेदन है कि बच्चों के हित में जल्द से जल्द जेई मेन के एग्ज़ाम की डेट्स, अटेम्प्ट को लेकर के, एडवांस की डेट को लेकर के सारी चीज़ें क्लियर कर दें, ताकि स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को पूर्ण मनोयोग से कर पाएँ। लास्ट ईयर ये चीज़ क्लियर थी। वैसे भी अगर देखा जाए, अगर आपको जेई मेन का एग्ज़ाम कभी भी कराना है, करीबन 1 से 1.5 महीने पहले आपको फॉर्म निकालने होंगे, 15 दिन पहले आपको हॉल टिकट रिलीज़ करने होंगे, ताकि स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम सेंटर पर कन्वीनियंस से पहुँच पाएँ। इसका मतलब अगर एग्ज़ाम फरवरी में भी होना है तो जनवरी में ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, लेकिन अगर आगे भी होना है तो कम से कम 1 से 1.5 महीने पहले चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। सर, ऐसे लगता है जैसे पिछले साल फेब में हुआ था फर्स्ट मेंस, तो ऐसे लगता है अब ये कोरोना की जो पोजीशन आ रही है उस अगर पीक फेब में रहा तो मार्च की फर्स्ट वीक में रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट हो जाना चाहिए, तो मार्च के लास्ट वीक तक एग्ज़ाम अगर हो तो बच्चों की भी मनस्थिति हो जाएगी कि चलो एक मेंस हो गया और हम एडवांस के लिए तैयारी के लिए लग जाए, क्योंकि मेंस में ही अगर अटके रहेंगे तो फिर एडवांस के लिए फिर बाद में पूरा फ्री माइंड हो जाए कि अब मेंस हो गया है हमारा और हम एडवांस पे लग जाए। हाँ, बोर्ड का एग्ज़ाम तो एक तो हो गया सर फर्स्ट टर्म, अब सेकंड टर्म होगा कि नहीं ये भी नहीं पता है हमें। अब सिचुएशन देखे तो ऐसे लगता है कि शायद बोर्ड हो ही ना, तो उसके लिए तो बच्चे तो अटके हैं सर, उनके मन में संभ्रम तो है कि कब होगा बोर्ड, कब होगा और उसके बाद में मेंस कब होगा। एडवांस के लिए फ्री होना चाहिए बच्चों का माइंड, तो NTA की तरफ से अगर आ जाए गाइडलाइन जल्दी से तो एक बच्चों के लिए पढ़ाई में भी कॉन्फिडेंस की लेवल अच्छी रहेगी। सर, बच्चा तो हमारा 12th में है इस साल, वो यही एडवांस की तैयारी कर रहा है। कहने का मतलब ये है सर, अभी तक कुछ भी सूचना अपने को इस मामले में नहीं मिली है कि कब मेंस होगा, कब एडवांस होगा, कब फार्म भरे जाएंगे, इसकी सूचना अपने को जल्दी से जल्दी प्राप्त होनी चाहिए। जितना लेट होगा उतना बच्चे का नुकसान हो रहा है, उसकी स्थिति क्लियर नहीं हो रही है कि उसको तैयारी कैसे करनी है, कब फार्म फिलअप करना है, कब तक परीक्षा होगी, किस प्रकार से तैयारी की जाए, इस प्रकार की कोई भी जानकारी बच्चे को उपलब्ध नहीं हो रही है। कुछ स्थिति क्लियर ही नहीं होगी, क्या सोचेगा वो? उसको सोचने के लिए कुछ व्यवस्थाएं तो होनी चाहिए ना कि इतने समय में अपने को इस प्रकार से तैयारी करनी है, इस प्रकार से अपने को अपनी सब्जेक्ट की तैयारी करनी, सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके कब फार्म भरे जाएंगे, ये कुछ भी स्थिति क्लियर नहीं है। जेई मेंस का अभी तक नोटिफिकेशन ना आने के कारण हम लोग को थोड़ा मन में ऐसा लग रहा है कि कब होगा कब नहीं होगा। अभी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पा रही है हॉस्टल में, फिर कभी लग रहा है कि आज ही आ जाएगा नोटिफिकेशन, कल आ जाएगा नोटिफिकेशन, अभी तक आया भी नहीं है। फिर मतलब प्रिपरेशन में बहुत फ़र्क पड़ रहा है इससे। पहले जो हम लोग देख पाते थे कि टारगेट 10 जनवरी या कभी भी, मतलब डेट फिक्स होने के कारण हम लोग पढ़ाई अच्छे से कर पाते कि उस दिन हमें देना है, तो उसके कारण प्रिपरेशन अच्छे से हो पाता है, ऑन ट्रैक रहता है। अभी मतलब बिल्कुल भी दिमाग में मतलब अलग सा थॉट आने लगता है कब होगा कब नहीं होगा, इसके कारण फिर प्रिपरेशन उतने अच्छे से नहीं हो पा रही है हमारी। पिछले 2 सालों से गंभीर कोरोना की गंभीर स्थिति थी, तो 75 क्राइटेरिया में छूट मिली थी, तो इस साल भी ये होना चाहिए क्योंकि अभी भी स्थिति नॉर्मल नहीं है। और
सिचुएशन सेम अभी भी वैसी ही है, तो 75 क्राइटेरिया में जल्द से जल्द सरकार को ये निकलना चाहिए कि उसमें भी रिलैक्सेशन इस बार भी हर साल की तरह होना चाहिए, क्योंकि स्थिति अभी भी पिछले 2 सालों की तरह ही है। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि 75 क्राइटेरिया के ऊपर देश जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ निर्णय ले, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको 75 क्राइटेरिया से नीचे मार्क्स मिले हैं।